आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा कि मनुज देह मीमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम् विषयलं पटतामपहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम्। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम्, ये मनुष्य शरीर संसार में अत्यंत दुर्लभ है। समधिगम्य सुरैरपि वांछितम्, सुरैरपि वांछितम्, देवताओं से भी वांछित इस शरीर को प्राप्त करके भजत रे मनुजाह कमलापतिम्। ऐ मनुष्य, भगवान का भजन कर और देवताओं से भी वांछित इस शरीर को प्राप्त करके अगर तुम भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी गति क्या होगी। इसका उत्तर भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही दे दिया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अगर ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी यही गति होगी कि मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर पैदा हो, फिर मरो, फिर मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर पैदा हो, फिर मरो। आपको पता है स्वर्ग में बैठे हुए देवता वहां क्या करते हैं। एक संत ने बताया, गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्ग में बैठे हुए देवता उन मनुष्यों के भाग्य की सराहना करते हैं जिनको भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। जिनको मनुष्य शरीर मिला है उनके बड़े भाग्य हैं। क्यों? क्योंकि तो सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। आप कहेंगे ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि स्वर्ग के देवता भी ये मनुष्य शरीर चाहते हैं। अजी अभी तक तो हमने यही सुना था कि मनुष्य देवताओं की भक्ति करते हैं और वेदों में भी देवताओं की भक्ति वर्णित है। वेद भगवान के वाक्य हैं, यानी भगवान ने भी इशारा किया है कि देवताओं की भक्ति करनी चाहिए। फिर क्या कारण है कि ये स्वर्ग के देवी देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं। Thank you.